नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर में। सभी केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगी और रेलवे कर्मियों के लिए लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़, दो बड़ी खबरें सितंबर 2018 की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तबादला होने पर की आनाकानी तो रेलवे अधिकारियों को मिलेगी ये सजा। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट किया गया अमर उजाला द्वारा 3 सितंबर 2018 को। दोस्तों, पदोन्नति होने पर तबादले के आदेश से बचने या देरी करने वाले रेलवे अधिकारियों को अपनी वरिष्ठता गंवानी पड़ सकती है, इस बात के संकेत रेलवे बोर्ड ने दिए हैं। दोस्तों, बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसी चाल का इस्तेमाल करने वालों की पदोन्नति कम से कम 1 साल के लिए रोक दी जाएगी। दोस्तों, रेलवे ने 2015 में विस्तृत तबादला नीति जारी की थी। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि नियंत्रण अधिकारी ये तय करेंगे कि जिस अधिकारी का तबादला किया गया है उसे अधिकतम 1 महीने में मुक्त कर दिया जाए। हालांकि रेलवे बोर्ड ने कहा है कि पदोन्नति होने पर एक जोन या यूनिट से दूसरी जगह स्थानांतरित होने वाले अधिकारी कई बार निर्धारित समय सीमा के भीतर आदेश को अमल में लाने में नाकाम रहते हैं। दोस्तों, बोर्ड ने कहा कि वे तय अवधि के भीतर आदेश का पालन नहीं करते हैं और कोई न कोई वजह बताकर इससे बचने की कोशिश करते हैं। इससे न केवल उस रेलवे यूनिट जोन को प्रशासनिक समस्या होती है जहाँ तबादले का आदेश जारी होने के बावजूद अधिकारी बना रहता है दोस्तों, बल्कि उस जगह भी परेशानी होती है जहाँ उसका तबादला किया गया है। दोस्तों रेलवे बोर्ड ने 29 अगस्त के आदेश में कहा है कि अपने स्थानांतरण या पदोन्नति आदेश पर अमल नहीं होने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने कहा कि अगर कोई अधिकारी तय अवधि के भीतर अपने तबादले से पदोन्नति का पालन नहीं करता है तो उसे पदोन्नति लेने से इनकार माना जाएगा और अधिकारी को कम से कम 1 साल के लिए ऐसी पदोन्नति से रोका जा सकता है। दोस्तों, सूत्रों ने बताया कि रेलवे का ये आदेश ऐसे समय पर आया है जब कठिन और असुविधाजनक पोस्टिंग से अधिकारियों के बचने की कोशिश बढ़ रही है। सभी सिविल कर्मचारियों केंद्रीय सिविल सर्विसेज नियमों के तहत बंधे हुए हैं और प्रत्येक कैडर का अपने अंदर तबादला और पदोन्नति का अपना नियम होता है। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर 60 लाख पेंशनर्स के लिए है। 60 लाख पेंशनर्स को मोदी सरकार दे सकते हैं नई स्कीम का लाभ। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट किया गया है 3 सितंबर 2018 को। 60 लाख पेंशनर्स को मोदी सरकार दे सकती है इस नई स्कीम का लाभ। दोस्तों, जनधन योजना की तर्ज पर मोदी सरकार आयुष्मान योजना के लिए बड़ा दाव लगाने जा रही है। दोस्तों, सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के लगभग 60 लाख पेंशनर्स को आयुष्मान स्कीम का लाभ देने पर विचार कर रही है। सरकार के इस कदम से तकरीबन 60 लाख लोगों को 1 साल में 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में करा सकेंगे। दोस्तों, आयुष्मान योजना के तहत ये लोग महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में जाकर मुफ्त इलाज करा सकेंगे। दोस्तों आयुष्मान योजना से मिलेगा ये फायदा। आयुष्मान योजना से हार्ट सर्जरी, कैंसर सर्जरी सहित अन्य बड़ी सर्जरी और बीमारियों के इलाज में लोगों को काफी फायदा होगा। दोस्तों, ऐसे में सभी लोग इसका फायदा लेना चाहते हैं और अपने भविष्य में आने वाली हेल्थ परेशानियों की तैयारी पहले कर लेना चाहते हैं। हाल ही में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्ट्रीट CBT की बैठक में CBT मेंबर ने EPFO मेंबर्स को आयुष्मान स्कीम के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा देने की मांग की है। सरकार इस मांग पर विचार कर रही है। अगर सरकार CBT मेंबर्स की मांग को मान लेती है तो लगभग 60 लाख पेंशनर्स को सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। दोस्तों, उनकी जांचों से लेकर पूरा इलाज 5 लाख रुपए के दायरे तक मुफ्त होगा। दोस्तों, मुफ्त में मिल सकता है मेडिकल बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान योजना की खास बात यह है कि इसके जरिए निजी अस्पतालों में जाकर भी 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। इसी के साथ अन्य बीमारियों के लिए दूसरे प्रदेशों का भी रुख कर सकते हैं। इसीलिए EPFO पिछले काफी समय से अपने पेंशनर्स को इलाज की सुविधा देने की स्कीम पर काम कर रहा है। हालांकि इस स्कीम पर आने वाला खर्च कौन उठाएगा इस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार पेंशनर्स की आयुष्मान स्कीम का फायदा देने का फैसला करती है तो इससे पेंशनर्स को मुफ्त में मेडिकल बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ रहे। नमस्कार दोस्तों।